हेलो दोस्तों, मैं चंद्र कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल मैराथन जी के जिस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज जिस टॉपिक की बात हम लोग करने वाले हैं, ये भारतीय संविधान की बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। इस टॉपिक से लगभग हर एग्जामिनेशन में, चाहे वो जिस लेवल का भी एग्जाम हो, प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो आज जिस वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रपति भाग एक, क्योंकि राष्ट्रपति एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसे दो भाग में लाने का हमने निर्णय लिया है। और इस भाग में हम लोग बात करेंगे राष्ट्रपति के पद की, राष्ट्रपति के निर्वाचन की, उनकी योग्यताओं की, उनके निर्वाचन की विधि की। इसके बाद हम लोग बात करेंगे महाभियोग की, ठीक है। तो जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है राष्ट्रपति को, सारा इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा विद आर्टिकल। तो पूरे ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखिए, ताकि राष्ट्रपति से संबंधित कोई भी पॉइंट आपके एग्जामिनेशन में ना छूटे। तो चलिए देख शुरू करते हैं आज की क्लास। प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, अगर राष्ट्रपति की बात करें तो भारतीय संविधान के भाग पांच में आपको प्रेसिडेंट जो है वो मिल जाएगा। कहाँ मिल जाना है? तो भारतीय संविधान के भाग पांच में। और वहीं अगर अनुच्छेद की बात करें, हम आर्टिकल की बात करें, तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। तो इस तरह से आपको ये दोनों पॉइंट याद हो जाना चाहिए कि राष्ट्रपति का प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया है और किस भाग में इसका वर्णन होता है। राष्ट्रपति की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इस टॉपिक को समझने से पहले हमें भारतीय संविधान की थोड़ी सी जो संसदीय प्रणाली व्यवस्था है उसे थोड़ा सा जानना पड़ेगा, क्योंकि पूरा भारत इसी सिस्टम के अकॉर्डिंग चलता है। तो चलिए जानते हैं संसदीय प्रणाली व्यवस्था के बारे में। उससे पहले एक छोटी सी बात और बता दूं कि अगर आपने संविधान के बाकी पार्ट्स की वीडियो नहीं देखी हो, भाग चार, भाग तीन, भाग दो, भाग एक, अनुसूची है, सोर्सेज हैं, तो ये सारी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। आप जरूर प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ आई बटन में यहाँ पर आप भाग चार देख सकते हैं जो आपके सामने है। इसमें डीपीएसपी का वर्णन बड़े ही विस्तार से हमने किया है। अगर हम बात करें कि भारत में किस तरह की शासन प्रणाली व्यवस्था है, तो संघ कार्यपालिका सिस्टम हमें थोड़ी सी देखनी पड़ेगी। ये होता क्या है? तो जैसा कि भारत में संसदीय प्रणाली व्यवस्था जो है ये अपनाया गया है, जैसा कि हमने आपको सोर्सेज वाली क्लास में भी बताया था कि संसदीय प्रणाली व्यवस्था भारत ने एक्सेप्ट किया और इसी पर हमारा पूरा भारत चलता है। ये संसदीय प्रणाली व्यवस्था हमने ब्रिटेन से अडॉप्ट किया था, ये हमने सोर्सेज वाली क्लास में आपको बता रखा है। इस व्यवस्था में होता क्या है कि आपको पता है कि हमारे यहाँ लोकसभा काम करते हैं, राज्यसभा काम करते हैं और फिर प्रेसिडेंट काम करते हैं। इसी तीनों की सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? संसदीय प्रणाली व्यवस्था बोलते हैं ना। पूरा देश के जितने भी रूल्स, रेगुलेशन, नियम कानून जो भी होता है वो इन तीन बॉडीज के द्वारा ही बनाया जाता है, और इसी सिस्टम को हम संसदीय प्रणाली व्यवस्था के नाम से जानते हैं। चलिए, इस व्यवस्था में संवैधानिक जो रूप से जो कार्यपालिका शक्ति है देश की, कि किस व्यक्ति के नाम से देश के समस्त कार्य किए जाएंगे, वह व्यक्ति होता है राष्ट्रपति। याद रखना, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है कि देश की समस्त कार्यपालिका शक्ति किस व्यक्ति में निहित है, किस व्यक्ति में समाहित है, तो आंसर होगा आपका प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति में ये निहित है, ठीक है। अब चलते हैं कार्यपालिका शक्ति का मतलब क्या होता है। देखो, देश के रिगार्डिंग कोई भी काम करना हो, वट एवर कोई भी काम करना हो, वो सब के सब प्रेसिडेंट के नाम से ही किए जाएंगे, क्योंकि राष्ट्रपति देश का गार्जियन होता है। चाहे वो काम कोई भी व्यक्ति करे, प्रधानमंत्री करे, गृह मंत्री करे, विदेश मंत्री करे, वट एवर कोई भी काम करो, लेकिन नाम किसका होगा दोस्त? नाम होगा प्रेसिडेंट का यानी राष्ट्रपति का, ठीक है। इस लाइन का यही मतलब है। आगे वो चीज मैंने डाल भी दिया है कि व्यवहारिक रूप में, व्यवहारिक रूप कहने का मतलब है जो बीतता है हमारे सामने, जो हम देखते हैं वो व्यवहारिक रूप होता है। कागज पे प्रेसिडेंट कार्यपालिका शक्ति का प्रधान है, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखें, व्यवहारिक रूप में देखें, तो कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री तथा उसके मंत्रिमंडल में निहित होता है। जैसा कि आप देखते होंगे अपने भारत में कि जो भी काम होता है उसका सारा निर्णय प्रेसिडेंट के द्वारा न लेकर के राष्ट्रपति के द्वारा ना लेकर के प्रधानमंत्री के द्वारा लिया जाता है ना, और प्रधानमंत्री हिट लिस्ट में सामने आते हैं। इसलिए कहा जाता है कि प्रैक्टिकली भारत की जो कार्यपालिका शक्ति है वो मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री में निहित है, लेकिन संवैधानिक रूप से अगर देखो तो राष्ट्रपति में निहित है। इसलिए आप यहाँ पर कह सकते हो कि अगर कार्यपालिका प्रधान अगर आपसे पूछता है
कार्यपालिका प्रधान अगर आपसे पूछा दैट मींस कि एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन है भारत का, तो आंसर्स आप करेंगे प्रेसिडेंट होता है यानी राष्ट्रपति करेंगे। और अगर आपका पूछ दिया कि कार्यकारी प्रधान कौन है, कार्यकारी प्रधान अगर आपसे पूछता है, फंक्शनल हेड आपसे पूछता है, तो आंसर याद रखना है पीएम। इन दोनों वर्ड में अंतर होता है। कार्यपालिका प्रधान यानी सारे काम प्रेसिडेंट के नाम से होंगे तो ये प्रेसिडेंट होता है, सारा काम कौन करता है तो प्रधानमंत्री करता है, इसलिए हम इसको कार्यकारी प्रधान। कार्यकारी और कार्यपालिका में कंफ्यूज मत हो जाना, दोनों अलग अलग चीजें होती है। क्लियर हो गया आई होप आपको। अब चलते हैं प्रेसिडेंट की बात करते हैं। जो राष्ट्रपति है हमारे देश में, इसका वर्णन आप तो देख ही लिया कि संविधान के अनुच्छेद 52 इसका एक्सप्लेनेशन है, प्रावधान किया गया है। अब चलते हैं, देश का प्रथम नागरिक होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि देश का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है, तो आंसर याद रखना है प्रेसिडेंट को यानी राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक कहा जाता है। वहीं अगर आपसे पूछे कि संवैधानिक प्रधान कौन होता है, जैसा कि हमने यहाँ कार्यपालिका प्रधान वर्ड यूज किया है, तो इसका भी आंसर होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को संविधान में सर्वोच्च स्थान दिया गया है, याद रखना है भारतीय संविधान में जो सबसे बड़ा स्थान है ये हमारे देश में प्रधानमंत्री सॉरी राष्ट्रपति को दिया गया है ना, यानी हाईएस्ट पोस्ट है। अगला देखो कि राष्ट्रपति को राष्ट्राध्यक्ष भी कहा जाता है, चेयरपर्सन ऑफ द नेशन भी प्रेसिडेंट को कहा गया है। राष्ट्र की सारी जिम्मेदारी इस व्यक्ति के ऊपर होता है, ठीक है। अब देख तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का प्रावधान है, तो ये आर्टिकल तो आपको जहन में उतार ही लेना है क्योंकि एग्जामिनेशन में कई बार पूछा हुआ है, ठीक है। अगर वही हम भाग अगर पूछेंगे तो भाग 5 में आपका राष्ट्रपति मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अनुच्छेद 53, एक और आर्टिकल है जो है यहाँ पर हम लोग परिचय में देखने वाले हैं प्रेसिडेंट के। अनुच्छेद 53 में कहा जाता है कि जितनी भी कार्यपालिका शक्ति है ये राष्ट्रपति में निहित होगा, यानी देश के समस्त कार्य राष्ट्रपति अपने नाम से करेगा, यह प्रावधान आर्टिकल 53 में किया गया है। इससे रिलेटेड एक छोटा सा नोट देख लीजिए, जो पावर प्रेसिडेंट को दिया गया है या तो उस पावर का प्रयोग स्वयं राष्ट्रपति खुद करता है या अपने अधीनस्थ अधिकारियों से मंत्रियों से वह इसका यूज करवाता है। तो इस तरह से प्रेसिडेंट की जो इंट्रोडक्शन वाली पार्ट थी वो हमने इस स्लाइड में बड़े ही विस्तार से देख लिया। अगर आपसे कोई पूछ देता है कि राष्ट्रपति क्या होता है, तो आप इन सारे लाइनों को जोड़ करके बता सकते हो प्रेसिडेंट के डिफिनेशन को, कि वह व्यक्ति जो देश का प्रथम नागरिक होता है, वह व्यक्ति जो राष्ट्र का अध्यक्ष होता है, वह व्यक्ति जो संवैधानिक प्रधान होता है जिसमें कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, जिसे संविधान में सर्वोच्च स्थान दिया गया है, उस व्यक्ति को राष्ट्रपति कहा जाता है। तो इस तरह से राष्ट्रपति की डेफिनेशन आप तक पहुंच गए, किस आर्टिकल में किस भाग में ये भी आपको पता चल गया। एक छोटी सी और बात बता दूं, जो भाग 5 आपको यहाँ पर दिख रहा है इसमें कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल हमें पढ़ने हैं, तो इसमें आर्टिकल 52 से लेकर के 151 तक है ना, पूरे भाग 5 की बात करें तो इतने सारे आर्टिकल्स हमें पढ़ने हैं, तो आराम से पहले प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, बाकी टॉपिक को भी इस भाग में जो भी टॉपिक है उन सबको भी कवर करेंगे। तो भाग 5 के 52 में मिलता है आपका प्रेसिडेंट, उसी तरह से 151 तक वाले आर्टिकल में बहुत सारे पार्ट्स पे हमें आज चर्चा करनी है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में राष्ट्रपति की और भी महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ और भी महत्वपूर्ण टॉपिकों के साथ। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए तो बात करते हैं राष्ट्रपति से जुड़े हुए निर्वाचन और उनकी योग्यता से संबंधित जो मुख्य पॉइंट है उनकी। राष्ट्रपति की योग्यता की हम बात करें तो राष्ट्रपति की योग्यता का वर्णन अनुच्छेद 58 में किया गया है, 58 में किया गया है। जैसे कि पिछली स्लाइड में आपने देखा था कि राष्ट्रपति पद का प्रावधान आर्टिकल 54 में किया गया था, ठीक है। अगर हम योग्यता देखें तो सबसे पहली योग्यता है कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहते हैं उन वो भारत के नागरिक होने चाहिए, ठीक है। इवन आप किसी भी पद पे जाना चाहते हो, पॉलिटिकली फील्ड में कोई भी मंत्री पद लेना चाहते हो, तो आपको भारत का नागरिक होना अनिवार्य होता है। दूसरी बात याद रखना है इनकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष, ये कई बार एग्जामिनेशन में पूछ दिया है, इसको बीबीआई बना लीजिए। राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु 35 ईयर्स होनी चाहिए। अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए,
तो अगर आपके एग्जाम में पूछ दिया कि भाई बताओ राष्ट्रपति की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो याद रखना इसका कोई निर्णय नहीं किया गया, नॉट डिसाइडेड लिख सकते हो आप, तय नहीं किया गया है कि राष्ट्रपति बनने के लिए अधिकतम आयु कितने चाहिए। कितना भी उम्र में आदमी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, इसका कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। तो मिनिमम एज 35 ईयर्स याद रखना। जो व्यक्ति लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो वही राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ सकता है, याद रखना। लोकसभा सदस्य होना अनिवार्य नहीं है, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होना चाहिए तभी आप राष्ट्रपति का इलेक्शन फाइट कर सकते हो, और किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ये एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट योग्यता है राष्ट्रपति के चुनाव की, तो इसको भी VVI बना दीजिएगा आप, कि राष्ट्रपति बनने के लिए आपकी जो योग्यता है उसमें लाभ का पद शामिल है। मतलब क्या है इसका लाभ का पद का मतलब, सीधा समझ लीजिए आपकी कोई भी गवर्नमेंट जॉब में आप ना हो, है ना, यानी कहीं से भी आपकी सैलरी वगैरह जो है वो नहीं मिल रही हो, देन चाहे वो राज्य स्तर का हो या केंद्र स्तर का हो, कोई भी गवर्नमेंट जॉब ना हो, उसी को कहा गया है लाभ का पद। नोट में एक बात याद रखना है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति संघ या राज्य के मंत्रिपरिषद के सदस्य, चाहे कोई भी मंत्री हो, चाहे वो राज्य स्तर के हो या फिर केंद्र स्तर के हो, उनको लाभ का पद नहीं माना जाता है, ठीक है। यानी ये लोग इलेक्शन फाइट कर सकते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट जॉब में वो इलेक्शन फाइट नहीं कर सकता है। चलिए एक और जो योग्यता है, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, यानी मेंटली रूप से ठीक ठाक होना चाहिए, और दिवालिया का मतलब है कि वो कर्जदार नहीं हो तभी वो इलेक्शन फाइट कर सकते हैं प्रेसिडेंट का, ठीक है। तो ये जो योग्यताएं हैं, यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में एक दो बार पूछ लिया गया है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, समझ लीजिए। अब चलते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन को देखते हैं, उनके इलेक्शन को देखते हैं कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन आखिर होता कैसे है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन का वर्णन अनुच्छेद 54 में किया गया, ठीक है। आर्टिकल्स ध्यान में रखेंगे, जो जो आर्टिकल्स मैं बता रहा हूँ ये सब बहुत महत्वपूर्ण है और रिपीटेड होते रहते हैं, इसलिए ये सारे आर्टिकल्स आपको ध्यान में रखना है। तो चुनाव का वर्णन किया गया आर्टिकल 54 में, आप ऐसे भी याद रख सकते हो 54 में चुनाव, ऐसे करके भी आपको ध्यान में आ जाना चाहिए। चलिए बात करते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन होता कैसे है। निर्वाचन के लिए एक निर्वाचक मंडल बनाया जाता है, ठीक है। एक निर्वाचक मंडल आपके लिए ग्रुप बनाई जाती है और वही लोगों को वोट करने का अधिकार होता है राष्ट्रपति के चुनाव में। तो चलिए देखते हैं आपके लिए निर्वाचक मंडल किन को मिलाने से बनता है। तो याद रखना है कि निर्वाचक मंडल में लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य, लेकिन थोड़ा सा वैरायटी है, केवल निर्वाचित सदस्य ही शामिल होते हैं। यानी आप ऐसा कह लीजिए कि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य यानी इलेक्टेड मेंबर ही भाग लेते हैं, ठीक है। यानी याद रखना है कि राष्ट्रपति के चुनाव में इलेक्टेड यानी मेंबर दो तरह के होते हैं। अगर मैं थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर डील करके बता दूं, तो मेंबर्स की अगर आप बात करते हो तो मेंबर्स दो तरह के होते हैं। एक तो होता है हमारे पास इलेक्टेड मेंबर, इलेक्टेड मेंबर जिसको आप निर्वाचित सदस्य बोलते हो। एक होता है पास नॉमिनेटेड मेंबर जिसको आप मनोनीत सदस्य बोलते हो। तो जो नॉमिनेटेड वाला है, जो मनोनीत है, ये लोग वोट नहीं करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, केवल निर्वाचित वाला ही वोट करता है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। कहाँ कहाँ के, तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है और इसे हमेशा प्रश्न एग्जाम में बनते रहते हैं, तो इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है ये समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर होता है। अब आपको इतना भारी सा वर्ड, इसका मतलब क्या होता है, तो चलिए मैं आपको समझा दूं। समानुपातिक प्रणाली क्या होता है, तो यहाँ पर एक रेशियो निकाला जाता है, ठीक है। जितने भी लोकसभा सदस्य हैं, राज्यसभा सदस्य हैं, विधानसभा सदस्य हैं, सब रेशियो वाइज वोट करते हैं, ठीक। और जब हम बात करें एकल संक्रमणीय मत पद्धति की, तो इसका मतलब होता है कि कोई एक आदमी वोट करेगा और उस वोट की वैल्यू उसके पूरे जनता के बराबर मान लिया जाता है। जैसे अगर कोई विधायक वोट करता है तो उसकी विधानसभा में जितने भी जनता है उसकी वैल्यू मान ली जाती है, यानी वो लोग भी उनके वोट के अधीन ही आ जाते हैं, इसलिए इसको एकल संक्रमणीय मत पद्धति कहा जाता है।
एक लाइन और याद रखना है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव प्रक्रिया है ये किस देश से लिया गया है, ये मैंने आपको सोर्सेज वाले क्लास में बताया था। आप कमेंट में जरूर आंसर करेंगे कि राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया का प्रावधान किस देश से हमारे संविधान में लिया गया है। अब चलिए आगे, राष्ट्रपति की उम्मीदवार अगर आपको बनना है, मान लो कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में फाइट करना हो, तो कोई भी एरो गैरो न तो कोई भी ऐसा आदमी नहीं है कि जाकर के राष्ट्रपति के इलेक्शन में फाइट कर ले। उसके लिए थोड़ी सी जो शर्त है ये है कि आपको इलेक्शन में फाइट करने के लिए कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की आवश्यकता पड़ेगी। अगर इतने लोग आपके सपोर्ट में ना है तो फिर आप इलेक्शन फाइट नहीं कर सकते हो। अब रही बात की प्रस्तावक क्या होता है, अनुमोदक क्या होता है, तो जो यहाँ निर्वाचक मंडल आपको दिख रहा है इसी में से 50 सदस्य आपके प्रस्ताव आपके प्रपोजल को रखने वाले हों, और उस प्रपोजल को सपोर्ट करने वाले 50 लोग और हों, तो ऐसे मिलाकर के 100 लोग आपके सपोर्ट में चाहिए। जो यहाँ पर प्रस्तावक, इसको प्रपोजर इंग्लिश में कहा जाता है, जो अनुमोदक है इसको सेकेंडर कहा गया है इंग्लिश में, यानी इतने लोग आपके सपोर्ट में होने चाहिए। और ये 50-50 वो लोग हों जो इस निर्वाचक मंडल में यानी राज्यसभा लोकसभा या विधानसभा के सदस्य हों, तभी आप इलेक्शन फाइट करने के लिए नॉमिनेट हो सकते हैं। अब चलते हैं, कहा जाता है क्या एक व्यक्ति भारत में राष्ट्रपति कितनी बार बन सकता है, तो हमारे देश में नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स प्रेसिडेंट बनने की ये डिसाइड नहीं किया गया है। एक आदमी चाहे जितनी बार हो उतना बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है और चुनाव राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हो सकता है, यानी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स यहाँ पर डिसाइड नहीं किया गया है। अब एक छोटा सा पॉइंट और याद रखना कि अगर राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद होता है, कोई भी मतलब विवाद उत्पन्न हो जाता है, तो इसका निर्णय जो है ये सर्वोच्च न्यायालय में किया जाता है, ये याद रखना है। यहाँ से भी प्रश्न कई बार एग्जाम में बने हैं। तो राष्ट्रपति पर ऐसे तो कोई भी केस या मुकदमा किसी कोर्ट में नहीं जाता है, लेकिन ये बात है इलेक्शन प्रोसेस, यानी जब तक कोई व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बना हुआ है तब अगर ये विवाद हो रहा है, निर्वाचन संबंधी भी विवाद हो रहा है, तो सर्वोच्च न्यायालय इसका निर्णय करता है। तो इस तरह से आपने इस स्लाइड में देखा कि राष्ट्रपति की योग्यता क्या होनी चाहिए, राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होता है, तो इसे आप अच्छे से समझिए। अगर एक बार में ना समझ में आए एक दो बार और जरूर देख लीजिएगा। और ये आई बटन आपको दिख रहा है, यहाँ पर आप संविधान का पार्ट 3 बड़े विस्तार से देख सकते हैं जो मौलिक अधिकार से संबंधित है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में राष्ट्रपति से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा ताकि अच्छे से प्रेजेंट आपको समझ में आ जाए। कार्यकाल, वेतन, शपथ और त्याग पत्र, इस टॉपिक से भी बहुत बार प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आ चुके हैं जो राष्ट्रपति से रिलेटेड है। तो चलिए देख लेते हैं कार्यकाल, वेतन, शपथ और त्याग पत्र से क्या क्या पूछा जा सकता है। आपको पता है कि भारत में राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष। हमारे यहाँ ऐसे कई ऐसे देश हैं जिनके राष्ट्रपति का कार्यकाल थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जो आपको याद कर लेना चाहिए। जैसे अगर अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल देखे तो याद रखना है आपको 4 वर्ष होता है। एक खास बात मैं अमेरिका के बारे में बता दूं कि वहाँ एक आदमी 2 बार से ज्यादा बार भारत मतलब वहाँ का राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। यानी यहाँ पर आप याद रखना है कि एक आदमी 1% 2 टाइम याद रखना है, ठीक है, 2 ही बार वहां बना जा सकता है। लेकिन हमारे देश में क्या है कि एक आदमी जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें शपथ, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो याद रखना सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये हमारे देश के निर्वाचित राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। चलिए कमेंट में जरूर बताएंगे कि भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, ये मैं आपका आंसर कमेंट में देखना चाहता हूँ। चलो वेतन की बात करें तो राष्ट्रपति की जो वेतन है वो 5 लाख रुपया प्रति महीना इनकी सैलरी है, जो टैक्स फ्री है, कर रहित है, इनको कोई टैक्स अपने सैलरी पर नहीं देना पड़ता है। ठीक है, मतलब 2018 मई जून के आसपास इनकी वेतन की इंक्रीमेंट की गई थी। अगर हम पुराने वेतन की बात करें, ओल्ड सैलरी की अगर हम बात करें, तो याद रखना है आपको 1.5 लाख रुपया जो था ये इनकी सैलरी थी जून 2018 से पहले, 18 में इनकी सैलरी इंक्रीमेंट कर दी गई। चलो
नोट में देखो कुछ बातें लिखी गई हैं, जो सैलरी है इसके अलावा राष्ट्रपति को सेवानिवृत्ति, सेवानिवृत्ति का मतलब होता है रिटायर्ड होने के बाद या जब इनका कार्यकाल कंप्लीट हो जाता है उसके बाद इनको पेंशन भी दिया जाता है। देखो यहाँ पर एक खास बात है, पेंशन जो दिया जाता है अक्सर हाँ आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति नौकरी से रिटायर करके आता है, जॉब से निकल के आता है, उनकी पेंशन जो है वो मंथली दी जाती है। जो व्यक्ति अपने जॉब से रिटायर होके आते हैं आपने देखा होगा उनको जो पेंशन है वो मंथली दी जाती है, लेकिन 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 यहाँ जो प्रेसिडेंट इनकी सैलरी जो पेंशन जो है वो वार्षिक मिलता है, यानी एक साल में एक बार इनको पेंशन दिया जाता है। ठीक है, अगर हम पेंशन की बात करें कितना मिलता है, तो जब इनकी 1.5 लाख रुपया जब सैलरी थी तो इनको पेंशन 9 लाख रुपया दिया जाता था साल का। ठीक है, आपको पता है पेंशन नॉर्मली आधा सैलरी का जो आधा होता है वो दिया जाता है, तो 75, 1.5 लाख था, 75 से मल्टीप्लाई करोगे 12 में तो 9 लाख हो जाएगा। वही अगर हम इसके हिसाब से चले तो 2.5 लाख, और 2.5 लाख को अगर 12 से गुना करते हो आप तो साल में करीब करीब 30 लाख रुपया इनको पेंशन के रूप में मिल जाएगा। ठीक है, ये एक मतलब कह रहे लगभग मान है ना, ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है, इसलिए यहाँ पर आप सिर्फ वार्षिक याद रखना कि इनको पेंशन कैसे दिया जाता है। चलो अगर हम बात करें निशुल्क आवास, इनको फ्री ऑफ कॉस्ट रहने के लिए घर भी दिया जाता है, और इसके अलावा इनको अन्य भत्ते जो अदर अलाउंस है वह भी प्राप्त होता है। तो इतनी सारी फैसिलिटी राष्ट्रपति को दिया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं त्याग पत्र, अगर राष्ट्रपति को त्याग पत्र देने का मन हो तो ये किसे देगा। तो याद रखना है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र भारत के उपराष्ट्रपति को सौंपता है। यहीं पर एक बात मैं आपको एक बार और बता दूं कि उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देना हो तो वो राष्ट्रपति को देगा। ठीक है, एक दूसरे को दोनों जो है वो त्याग पत्र देते हैं। चलिए अब बात करते हैं राष्ट्रपति के आवास की, यानी जो प्रेसिडेंट रहते कहाँ है वहां। तो याद रखना कि राष्ट्रपति राष्ट्रपति भवन में, प्रेसिडेंट हाउस में रहते हैं जो दिल्ली में है, और दिल्ली में ये एक खास पहाड़ी है रायसीना हिल्स, याद रखना इस पहाड़ी का नाम, रायसीना पहाड़ी पर यह आवास स्थित है जिसे हम प्रेसिडेंट हाउस कहते हैं। जो रायसीना पहाड़ी है ये अरावली पर्वत का एक हिस्सा हुआ करता था आज से बहुत सालों पहले। ठीक है, अरावली पर्वत का पार्ट था ये, याद रखना है। इस जो प्रेसिडेंट हाउस आपको दिख रहा है इसमें 340 कमरे हैं। अगर हम बात करें भारत के राष्ट्रपति के आवास की तो विश्व में किसी भी राष्ट्रपति आवास से ये बड़ा आवास है, यानी इतना बड़ा राष्ट्रपति आवास किसी भी देश के प्रेसिडेंट को नहीं दिया गया है। ठीक है, तो याद रखना है 340 कमरे हैं, रायसीना पहाड़ी पर और दिल्ली में अवस्थित है। अगर हम बात करें कि इतना विशाल जो भवन है इसको डिजाइन किसने किया था, तो उस समय ब्रिटेन के बहुत ही बड़े वास्तुकार थे जिनको भारत में कई तरह की इमारतों के डिजाइन के लिए जाना जाता है। नाम आपने सुना होगा एडविन लैंडसियर लुटियंस, या इनको इन शॉर्ट एडविन लुटियंस के नाम से भी जाना जाता है। तो एडविन लुटियंस और हावर्ड बेकर, इन दोनों लोगों ने मिलकर के राष्ट्रपति भवन का डिजाइन तैयार किया था। तो याद रखना है इनके वास्तुकार कौन कौन थे, तो ये नाम ध्यान में रखेंगे। जब ये भवन बनाया जा रहा था दोस्तों, तो इससे ये राष्ट्रपति भवन के रूप में नहीं बनाया गया था, इसे वायसराय, जो भारत के वायसराय थे उनको रहने के लिए इस भवन का निर्माण किया गया था। और 1950 तक, जब तक भारत का अपना संविधान नहीं आ गया था, तब तक इस भवन को वायसराय हाउस के नाम से जाना जाता था। बाद में जब अंग्रेज हमारे यहाँ से चले जाते हैं तो राष्ट्रपति, चूंकि राष्ट्रपति वायसराय के इक्विवेलेंट पद बनाया गया था हमारे संविधान में, तो इनको यह हाउस ऑफर किया गया और इन हाउस का नाम राष्ट्रपति भवन कर दिया जाता है 1950 से, याद रखना है। अब चलो इस भवन से संबंधित कुछ और पॉइंट, इसकी शुरुआत कब हुई थी, ये भवन बनना शुरू कब हुआ था, तो 1912 में इसकी शुरुआत हुई थी। ये पूरा कब हुआ, 1929 में इस भवन का निर्माण पूरा हुआ और इसे 1931 में ओपन कर दिया गया, खोल दिया गया, और वायसराय यहाँ पर रहना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, जब ये भवन बनना शुरू हुआ था तो इसकी बजट काफी ज्यादा थी, लेकिन उस समय के जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग जो थे उन्होंने कुछ बजट में कटौती कर ली थी, जिस कारण इस भवन का थोड़ा सा निर्माण
थोड़ा सा कम बजट में किया गया था। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि पहला वायसराय जो इस भवन में रहा उनका नाम था लॉर्ड इरविन, याद रखना है लॉर्ड हार्डिंग के समय बनना शुरू होता है, लॉर्ड इरविन इसमें पहले वायसराय थे जो निवास करते हैं रहते हैं। चलिए इस भवन के बारे में चीज और बता दूं, यह भवन करीब 321 एकड़ जमीन पर फैली हुई है ना, इतना बड़ा एरिया है इसका 321 एकड़ और ये चार मंजिला इमारत है। ठीक है, फोर फ्लोर है इसमें, चार मंजिला है। तो चलिए इससे संबंधित और भी कई सारे बातें हैं जो हम अगले स्लाइड में करने वाले हैं, राष्ट्रपति भवन, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो पूरी अंत तक, जानते हैं कुछ और महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को। राष्ट्रपति भवन से संबंधित कुछ पॉइंट जो बचे हुए थे लास्ट स्लाइड से उसको हम लोग यहाँ पर कैरी करने वाले हैं। राष्ट्रपति भवन की अगर हम बात करें तो इसे बनाने में करीब 17 वर्ष लग गए थे, जैसा कि आपने पिछले स्लाइड में देखा था कि 1912 में इसकी शुरुआत हो गई थी बनने की। ठीक है, और इसे अनुमानित एक एवरेज खर्च बताया जा रहा है कि करीब करीब 1.5 करोड़ रुपया के आसपास इसमें अप्रोक्सीमेशन में खर्च हुआ होगा, तो ये अनुमानित है 1.5 करोड़ रुपया खर्च लगभग हो गया था। इस राष्ट्रपति भवन की एक बहुत बड़ी खासियत मैं आपको बता दूँ, शायद ही आपने ऐसा फैक्ट सुना होगा, राष्ट्रपति भवन के ठीक सामने में एक जयपुर स्तंभ है ना, ठीक सामने एक जयपुर स्तंभ है जिसके शिखर पर जो तत्कालिक जयपुर के महाराज थे उन्होंने भारत सरकार को शुभकामना के पर्पस से एक कमल पर सितारा लगा हुआ दिया था, है ना, कमल का फूल है उस पर एक स्टार लगा हुआ है, तो ये उस जयपुर स्तंभ के सबसे ऊपर में टिका हुआ है, इसी कारण से इसका नाम जयपुर स्तंभ पड़ जाता है। तो आपसे प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि जयपुर स्तंभ कहाँ है, तो आप जयपुर सोच के राजस्थान में चले जाना है, दिल्ली में ये राष्ट्रपति भवन के सामने में है। वहीं अगर हम बात करें राष्ट्रपति भवन में तो यहाँ एक वर्ल्ड प्रसिद्ध कह सकते हो मुगल गार्डन भी स्थित है। इस मुगल गार्डन की परिकल्पना कहा जाता है कि लेडी हार्डिंग के मन में आया था, जब वो शालीमार और निशांत बाग घूमी थी तो उनके मन में भी एक बात आई कि वायसराय हाउस जो बनने वाला था उस समय उसमें भी एक गार्डन की व्यवस्था की जाए, और इनके ही परिकल्पना पर जो एडवर्ड लुटियंस थे उन्होंने मुगल गार्डन का जो एक विकल्प था वो राष्ट्रपति भवन में रखा था। तो नोट में मैंने इस लाइन को डाल दिया है कि मुगल गार्डन की जो परिकल्पना थी ये लेडी हार्डिंग की थी। ये लेडी हार्डिंग कौन थी, तो मैंने आपको बताया था कि 1912 में वायसराय जो भारत के थे वो थे लॉर्ड हार्डिंग, उन्हीं की पत्नी है जिनको लोग लेडी हार्डिंग के नाम से जानते थे, तो ये याद रखना है। राष्ट्रपति भवन के अलावा जो दिल्ली में प्रेसिडेंट हाउस है उसके अलावा भारत के राष्ट्रपति को दो और अन्य जगहों पर उपनिवास के तौर पर दो भवन और दिए गए हैं। अगर हम बात करें तो शिमला में एक भवन है जिसे हम राजभवन कहते हैं, और हैदराबाद में एक भवन है जिसे नीलियम नाम से जाना जाता है। ये दो भवन भी राष्ट्रपति को फ्री ऑफ कॉस्ट निवास के पर्पस से दिया गया है। तो याद रखना राष्ट्रपति तीन जगहों पे रह सकते हैं, शिमला में, हैदराबाद में और दिल्ली में, प्रॉपर ये न्यू दिल्ली में ही रहते हैं, ये ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं पदरिक्त एक ऐसा टॉपिक है जिसको समझना बेहद जरूरी है। पदरिक्त कहने का मतलब है कि कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति की पद कितने कारणों से खाली हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम परिस्थितियों को देखें तो तीन ऐसी परिस्थितियां हैं जो राष्ट्रपति के पद को खाली होने के लिए जायज है जब वो पद अवधि में हो। पहली कंडीशन कहा जाता है त्याग पत्र देने से, अगर कोई प्रेसिडेंट त्याग पत्र दे देते हैं अकॉर्डिंग अपने कार्यकाल के दौरान तो ये पद खाली हो सकता है। याद रखिएगा कि आज तक कोई ऐसा नहीं किया है ना, आज तक कोई नहीं है, यानी कोई ऐसे प्रेसिडेंट आज तक नहीं हुए जिन्होंने अपना त्याग पत्र दिया हो और उस कारण से पद इनका खाली हुआ हो। अगर हम बात करें दूसरी परिस्थिति की तो कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाने पर, बिल्कुल कार्यकाल के दौरान अगर किसी प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है तो इन कारणों से भी पद खाली होता है, और आज तक ऐसा दो बार हो चुका है, यानी आप कह सकते हो कि दो ऐसे प्रेसिडेंट हमारे देश में हुए
जिनकी डेथ ड्यूरिंग कार्यकाल ड्यूरिंग वर्क टर्म में हो गया है और इन कारणों से इनका पद खाली हो गया है। ठीक है, इसकी चर्चा हम अगले स्लाइड में करेंगे, वो कौन कौन से प्रेसिडेंट हैं और उनके डेथ के बाद कौन कार्यकारी के रूप में काम किया, ये देखेंगे हम लोग। और तीसरा है महाभियोग द्वारा हटा दिए जाने पर अगर किसी व्यक्ति को, किसी प्रेसिडेंट पर अगर संविधान न मानने का या संविधान के उल्लंघन का आरोप लगता है तो वैसे राष्ट्रपति को भी पद से हटा दिया जाता है। उस प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं, जिसको हम लोग आगे आज कैरी करने वाले हैं। याद रखना है कि आज तक कोई ऐसा प्रेसिडेंट नहीं हुए हैं, कोई नहीं है जिसको महाभियोग के द्वारा हटा दिया गया। तो इन तीन कारणों से राष्ट्रपति के पद जो है वो खाली होते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम उन प्रेसिडेंट पे बात करने वाले हैं जिनकी पद अवधि के दौरान डेथ हुई थी। तो चलिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा ऐसे ही मजेदार तथ्यों को जानने के लिए। पिछली स्लाइड में हम लोगों ने देखा था कि कार्यकाल के दौरान अगर किसी राष्ट्रपति की डेथ हो जाती है तो उनके पद को खाली माना जाता है। तो हमने आपको बताया था कि अब तक दो ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनकी डेथ कार्यकाल के दौरान हो गया है। तो चलिए उन दोनों के नाम देखते हैं। सबसे पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का नाम आता है जो हमारे देश के तीसरे राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, कब से कब तक, तो 1967 से 1969 के बीच ये देश के तीसरे प्रेसिडेंट बने थे। और इनके साथ जुड़े कुछ फैक्ट याद रखें, जैसे ये पहले मुस्लिम राष्ट्रपति भारत के बने थे। ठीक है, इनसे पहले कोई भी मुस्लिम राष्ट्रपति नहीं बने थे। साथ ही ये पहले मुस्लिम वाइस प्रेसिडेंट भी हमारे देश में बने थे और ये वाइस प्रेसिडेंट के रूप में 1962 से लेकर के 1967 के बीच में कार्यरत थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो दूसरे राष्ट्रपति हैं जिनकी डेथ ड्यूरिंग कार्यकाल हो गया है, उनमें फखरुद्दीन अली अहमद जी का नाम आता है। ये हमारे देश के पांचवें प्रेसिडेंट थे। अगर इनका कार्यकाल देखें तो 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 के बीच ये हमारे देश के राष्ट्रपति थे। ये हमारे देश के दूसरे मुस्लिम प्रेसिडेंट बने थे। और इनसे जुड़ा हुआ एक फैक्ट और ध्यान में रखिएगा कि इमरजेंसी जब 1975 में लगी थी उस समय देश के प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद जी ही थे। उसमें प्रधानमंत्री कौन थे इसके बारे में हमने आपको कई बार बता रखा है, कमेंट में बताइएगा 1975 के आपातकाल के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। चलिए आगे बढ़ते हैं कि यदि जो तीन परिस्थिति हमने आपको बताई कि ड्यूरिंग डेथ या फिर त्याग पत्र देने से या फिर महाभियोग के कारण अगर पद खाली होता है तो राष्ट्रपति के पद को 6 महीने के अंदर फिल कर देना है, भर देना है, नया राष्ट्रपति का चुनाव करवा लेना है। यानी यहाँ से एक चीज और आप अंडरस्टूड हो जाए कि यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के अतिरिक्त कार्यभार को संभालता है तो वो 6 महीने से अधिक दिनों तक नहीं संभाल सकता है। ठीक है, क्योंकि 6 महीने के अंदर ही नए राष्ट्रपति का चुनाव करवा लेना होता है, ये नियमतः संविधान में लिखा गया है। आगे देखें, अगला जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है महाभियोग प्रक्रिया, जिसको हम लोग इम्पीचमेंट बोलते हैं। महाभियोग का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में किया गया है। ठीक है, ये महाभियोग होता क्या है, तो सबसे पहले तो ये जान लो कि राष्ट्रपति अगर संविधान का उल्लंघन करते हैं या संविधान का अतिक्रमण करते हैं, अपने पावर का मिसयूज करते हैं, तो वैसे परिस्थिति में राष्ट्रपति को भी पद से हटाने का प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है। और जिस प्रक्रिया से राष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है इसी प्रक्रिया को हम महाभियोग यानी इम्पीचमेंट के नाम से जानते हैं। हमारे देश में जो इम्पीचमेंट प्रक्रिया है ये भारतीय संविधान में अमेरिका से लिया गया। ये चीज मैंने सोर्सेस वाली क्लास में भी आपको बताया था कि अमेरिका से महाभियोग प्रक्रिया लिया गया। ठीक है, और राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया महाभियोग कहलाती है। महाभियोग कब लगता है, तो जब कोई राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है या अपने पावर का मिसयूज करता है तो महाभियोग द्वारा उसको पद से हटा दिया जाता है, ये आपको पता है। अब रही बात, इसको वीवीआई बना लीजिए, यहां से प्रश्न आपके बनते हैं कि महाभियोग राष्ट्रपति पर कहां चलाया जाता है। इसका ऑप्शन आपको सर्वोच्च न्यायालय दिया जा सकता है, राष्ट्रपति भवन दिया जा सकता है। ध्यान देंगे, महाभियोग संसद के किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, किसी भी सदन में चलाया जा सकता है। तो यही लाइन यहाँ लिखा है कि महाभियोग संसद के किसी भी सदन में
चलाया जा सकता है। सदन डेट मीन्स यहाँ पर दो सदन होते हैं ना, आपको पता है कि लोकसभा होता है या फिर राज्यसभा होता है, तो किसी भी सदन में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। इसके चलाए जाने की कुछ प्रक्रिया है, कुछ विधियां हैं जिसको हम लोग अभी देखने वाले हैं। कहा जाता है कि संसद जो है, संसद का कोई भी सदन अगर राष्ट्रपति पर कोई आरोप लगाना चाहता है तो आरोप लगाने के लिए उस पार्टिकुलर सदन के 1/4 यानी 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर हुआ होना चाहिए। यानी अगर 1/4 लोग हस्ताक्षर करके अगर वो पेपर सबमिट करते हैं तो वो राष्ट्रपति पर आरोप लगाया जा सकता है। यानी आरोप लगाने के लिए 1/4 मेंबर चाहिए। ठीक, जिस सदन के सदस्यों के द्वारा प्रस्ताव पेश किया जाता है कि हाँ राष्ट्रपति ने गलत काम किया है, उसी सदन के जहाँ पर 1/4 लोग हस्ताक्षर करते हैं, उसी सदन के 2/3 सदस्यों की बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित होना अनिवार्य होता है। फिर जब वो प्रस्ताव पारित हो जाता है फिर दूसरे सदन में भेजा जाता है और वहाँ भी अगर 2/3 सदस्यों से अगर उस प्रतिवेदन को, उस आवेदन को अगर मेजोरिटी मिल जाती है तब राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया चलाया जाता है। आई होप आपको ये पूरी जो कहानी है महाभियोग की वो समझ में आ गई होगी। कोई भी सदन महाभियोग के लिए आरोप लगा सकता है। आरोप लगाने के लिए 1/4 मेंबर की जो मेजोरिटी चाहिए, फिर उसी मेजोरिटी में उसी सदन का 2/3 मेंबर से उसको पास होना पड़ता है, फिर उस बिल को दूसरे सदन के 2/3 मेंबर का सपोर्ट अनिवार्य होता है। चलिए, अगर समझ में ना आए तो एक दो बार वीडियो को रिवाइज करके जरूर देख लीजिएगा, ये पॉइंट आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ये आई बटन जो आपको दिख रहा है यहाँ पर आप प्रीवियस जो अपलोडेड वीडियो है उसको आराम से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो राष्ट्रपति से संबंधित है और उससे संबंधित कुछ प्रोसेस भी जो बच गए हैं उसको हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें, जानते हैं कुछ और तथ्यों को। तो राष्ट्रपति भाग एक जो हम लोगों ने अभी आपके सामने लाया, इसका ये लास्ट स्लाइड है और फिर हम लोग अगली वीडियो में राष्ट्रपति भाग दो में मिलेंगे जहां राष्ट्रपति की शक्तियों के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अब तक हम लोगों ने जितने भी टॉपिक को देखा प्रेसिडेंट के अंतर्गत वो किस किस आर्टिकल्स में आते हैं उसकी ये सूची है और काफी महत्वपूर्ण है, इसे आप अच्छे से समझें। और इस साइड जो आपको दिख रहा है कि राष्ट्रपति के चुनाव में एक वोट की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, ये कुछ एक फॉर्मूलाज हैं, कुछ एक सूत्र हैं जो आपको थोड़ा सा समझना है जो आपके एग्जामिनेशन में इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये जो आई बटन आपको दिख रहा है यहाँ से आप जो भारतीय संविधान में अनुसूची है 12 की जो अनुसूची है वो हमारे चैनल पे अपलोडेड है, आप जाकर के जरूर देखें, इस आई बटन की सहायता से भी आप देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं अब तक हम लोगों ने किस किस टॉपिक पे चर्चा कर लिया। तो अनुच्छेद 52 इसमें राष्ट्रपति पद का प्रावधान है जो हमने आपको फर्स्ट स्लाइड में ही बताया है। अनुच्छेद 53 की बात करें तो इसमें राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियों के बारे में बताया गया है, जिसमें हमने आपको एक लाइन बताया था कि राष्ट्रपति के नाम से ही भारत के सभी कार्य किए जाते हैं, और भी फंक्शन है जो हम लोग नेक्स्ट भाग दो में डिस्कस करेंगे। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा है, जिसके बारे में हमने पिछले स्लाइडों में बता चुका हूँ आपको कि कैसे निर्वाचन होता है, कौन वोट करता है, तो ध्यान रखना है आपको। अनुच्छेद 55 की बात करें जिसमें निर्वाचन की विधियों का जिक्र किया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, और ये हमने आपको अभी बताया है कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। निर्वाचन विधि में ही एक चीज और बता दूं कि निर्वाचन में कई चरणों में उनकी जो वोट की मतगणनाएं होती हैं वो भी की जाती हैं। ठीक है, अगर एक चरण में कैंडिडेट्स नहीं सिलेक्ट हो पाते हैं तो दूसरे चरण तक की मतगणना जाती है, तीसरे चरण तक की जाती है, चौथे चरण तक जाती है, इस तरह से कई चरणों में राष्ट्रपति की मतगणना करी जाती है। आपको एक पॉइंट याद होगा कि वीवी गिरी भारत के जो चौथे राष्ट्रपति बने थे ये दूसरे चरण के मतगणना से चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हैं। तो याद नाम रखेंगे आप किनका, वीवी गिरी का। वीवी गिरी जो है ये दूसरे चरण के सेकेंड स्टेप में जो वोटिंग की जो गणना की जाती है उसमें ये हमारे देश के प्रेसिडेंट बने थे और ये देश के चौथे राष्ट्रपति थे जो 1969 से लेकर के 74 तक देश के प्रेसिडेंट थे। ठीक है, अब देखें
अनुच्छेद 56 की बात करें, जिसमें पदा अवधि के बारे में बताया गया है। पदा अवधि कार्यकाल जो 5 वर्षों का कार्यकाल होता है, ये हमने आपको डील किया है। अनुच्छेद 57 की बात करें तो पुनर्निर्वाचन की बात है, जिसमें हमने आपको बताया था ना कि भारत में एक आदमी चाहे जितनी बार हो राष्ट्रपति बन सकता है, यही आर्टिकल 57 कहता है। वहीं अगर आर्टिकल 58 की बात करें तो राष्ट्रपति की योग्यता का जिक्र किया गया, जो हमने आपको बता रखा है कि क्या क्या योग्यताएं प्रेसिडेंट के लिए चाहे। अगर हम आर्टिकल 60 की बात करें तो शपथ का जिक्र है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, ये भी हमने आपको पिछले स्लाइड में बताया है। और आर्टिकल 61 की बात करें जिसमें महाभियोग की चर्चा की गई है, ठीक है। तो इतने टॉपिक को हम लोगों ने अपने राष्ट्रपति भाग एक में पूरा कंप्लीट देखा इस वीडियो में। अगर आपको एक बार में समझ में ना आए तो प्लीज 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 वीडियो को एक दो बार जरूर रिवाइज कर लेंगे, ताकि आपको ये थोड़ा सा फॉर्मूलाज बता दे आपको। जो मत निर्वाचन होता, मत जो दिया जाता है, मतदान जो होता है राष्ट्रपति का, वो आपको बता दूं कि ये अप्रत्यक्ष मतदान होता है, ये ध्यान में रखना है, और गुप्त मतदान होता है, ये ध्यान में रखना है ना। राष्ट्रपति का चुनाव कैसा है, एक अप्रत्यक्ष चुनाव होता है जिसमें विधायक और सांसदों के द्वारा मतदान दिया जाता है। चलो, एक विधायक की जो वोट की गणना की जाती है, ये राज्य की कुल जनसंख्या बटा राज्य के विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य गुना 1/1000, इससे एक विधायक की वोट की गणना की जाती है, ठीक है। फिर उस विधायक की वोट की गणना अब एक सांसद में इसको कैलकुलेट किया जाता है, जहां कुल विधायकों का मत मूल, एक विधायक ऐसे ही हमारे देश में करीब करीब 4120 विधायक हैं, इन सबों के मतों की वैल्यू बटा निर्वाचित सांसदों की संख्या, ध्यान रखा है इसमें 1000 से डिवाइड नहीं करना, ठीक है। तो इससे जो वैल्यू निकल के आती है, ये होता है एक संसद के वोट का मूल। और इस तरह से राष्ट्रपति का निर्वाचन तय होता है कि कौन हमारे देश में प्रेसिडेंट बने हैं, कौन से कैंडिडेट इस चुनाव को जीते हैं। तो इस तरह से आप देख लो, एलएस का मतलब लोकसभा हमारे यहाँ 533, ये निर्वाचित वाली बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर टोटल देखो तो 552 है, जिसमें 533 जो है वो इलेक्टेड होते हैं। राज्यसभा सदस्य 233 इलेक्टेड होते हैं, और एलए यानी लेजिस्लेटिव असेंबली 4120 करीब करीब विधायक हैं। कुल इन दोनों को जोड़ दो तो आपका 776 लोकसभा और राज्यसभा यानी सांसदों की संख्या राष्ट्रपति के चुनाव में आ जाते हैं। तो इस तरह से आपने जितनी फैक्ट इस वीडियो में देखा, ये सब राष्ट्रपति की बेसिक इन्फॉर्मेशन से जुड़ा हुआ फैक्ट था। नेक्स्ट वीडियो जब हम लाएंगे राष्ट्रपति का भाग दो, उसमें उसके कार्य और शक्ति के ऊपर विस्तार से बात करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा ये जरूर बताएंगे, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करेंगे। चलिए, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक घर में रहें, सेफ रहें, अपना ध्यान रखें। थैंक यू, धन्यवाद।